तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कार्बोरेटर बेस्ड पेट्रोल इंजन क्या होता है और FI बेस्ड पेट्रोल इंजन क्या होता है, मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन वाला पेट्रोल इंजन क्या होता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's मोटोग्राफी। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल्स के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत। तो कार्ब्यूरेटर वाले इंजन में होता कुछ ऐसा है कि सिंपल सा उसमें एक कार्ब्यूरेटर लगा होता है जिसमें कि एयर फिल्टर के थ्रू हवा उसमें से गुजरती है और फ्यूल टैंक से उसमें फ्यूल निकलता है। तो ये दोनों का एक रेशियो होता है जिसे कि आप उसमें एक स्क्रू के थ्रू सेट कर सकते हैं कार्ब्यूरेटर में। तो उस रेशियो से फिर इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है। तो कार्ब्यूरेटर में सिंपल सी मैं वर्ड्स में बताऊँ तो कार्ब्यूरेटर में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आप खुद से ही सेट कर सकते हैं कि इंजन में कितना जाना है। उसके बाद फिर वो उसमें इंजन में पिस्टन में वो जलेगा, उसके बाद आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा या प्रोड्यूस करेगा। और FI में होता ऐसा है कि मतलब कि फ्यूल इंजेक्शन उसे कहा जाता है FI को। तो उसमें होता कुछ ऐसा है कि उसमें एक ECU होता है जो कि कंप्यूटराइज्ड रहता है और उसमें वो खुद ही सेंस कर लेता है कि कितना एयर देना है और फ्यूल टैंक से कितना फ्यूल देना है। उसके बाद ये अपना एक ऑप्टिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे कि फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ती है और इंजन में अच्छा पावर भी जितना मिलना चाहिए उतना इंजन से आपको पावर भी प्रोड्यूस होता है और उससे इंजन में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो और कार्ब्यूरेटर में कई जगह क्या होता है, कभी एयर ठीक से नहीं मिल पाता तो एयर कम जाता है और फ्यूल जो सेट किए रहते हैं वो फ्यूल जाता है। तो उसमें से होता क्या है कि उसमें लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है कार्ब्यूरेटर में। और अगर FI होता है तो वो कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से वो फ्यूल को भी कम सक करता है, मतलब फ्यूल कम देता है क्योंकि एयर कम आता होता है। तो कुछ ऐसा होता है फ्यूल इंजेक्शन में, उस फ्यूल इंजेक्शन के होने की वजह से इंजन में लोड कम पड़ता है तो जितना एयर निकलता है उतना ही फ्यूल भी फ्यूल टैंक से मिलता है तो उससे एक ऑप्टिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उससे इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और कार्ब्यूरेटर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊँ तो कार्ब्यूरेटर को कोई भी मैकेनिक बना सकता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि कार्ब्यूरेटर बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए कार्ब्यूरेटर बेस्ड पेट्रोल इंजन को कोई भी मैकेनिक आराम से बना सकता है और उसे काफ़ी सस्ते में भी बन सकता है। और कार्ब्यूरेटर का एक नेगेटिव पॉइंट बताऊँ तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है उसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं तो या तो उसे चेंज करना पड़ सकता है या रिपेयर भी हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता कार्ब्यूरेटर में। लेकिन हाँ, इंजन पे लोड पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। और उसका एक और पॉइंट बता देता हूँ कार्ब्यूरेटर का कि अगर उसमें गाड़ी आपकी कहीं रुकेगी नहीं अगर कार्ब्यूरेटर में कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है तो। और बात करें FI की, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की, तो उसमें उसका पहले पॉजिटिव पॉइंट बताऊँ तो पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि उसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी एंड बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और FI का नेगेटिव पॉइंट बताऊँ तो अगर उसमें कहीं कुछ दिक्कत आता है तो वो क्या है, कंप्यूटराइज्ड है तो वो सीधे सीधे वहीं पर गाड़ी आपकी रुक जाएगी, गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी अगर उसमें कुछ दिक्कत आता है तो। और वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो उसे आपको डायरेक्ट ही चेंज कराना पड़ता है, वो बहुत कम ही रिपेयर होता है। तो ये थे कार्ब्यूरेटर बेस्ड एंड FI इंजन के डिफरेंसेस। तो होप सो कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, सर्च करें प्रकाश महंत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल PM's मोटोग्राफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।